हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रिंक ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाल पैथलाब के बारे में। लाल पैथलाब में आज के दिन में भारी बिकवाली देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक अभी 4% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो अभी इसी स्टॉक में हमें क्या करके चलना चाहिए, क्योंकि न्यूज के हिसाब से जहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक में एक न्यूज भी देखने को मिला है, तो इसी बेसिस पे स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। तो न्यूज क्या है और स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आपको क्या करके चलना चाहिए, फ्रेंड्स इस वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है, और उस ट्रेड को आप एनालाइज करके आपका पोर्टफोलियो में ले सकते हैं और बढ़िया सा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक में अभी के करंट सिनारियो में 3.8% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जो कि स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 3065 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे अभी के ट्रेडिंग सेशन में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि बेहतरीन डिलीवरी उठाया गया है, 44% का डिलीवरी उठाया गया है। एक स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, 2,68,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे 1,18,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 44% का डिलीवरी उठाया गया है। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे आज के दिन के, निफ्टी भी थोड़ा सा करेक्शन पे चल रहा है, जो कि 0.47% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन ये जो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है, पीछे पीछे का रीजन क्या है, देखिए स्टॉक में पीछे का रीजन क्या है, ये न्यूज के हिसाब से रिएक्ट किया है। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट का रेट जो है घटा दिया गया है, जो कि 300 रुपीज नया रेट कर दिया, कि जो कि पहले का रेट था यहाँ पे दिल्ली में 500 रुपीज का आरटीपीसीआर टेस्ट का रेट था। तो यहाँ पे है, तो इसीलिए स्टॉक में रिएक्ट हो रहा है, अराउंड 40% का रेट घटाया गया है। ठीक है, इसीलिए स्टॉक रिएक्ट किया है, जो कि नेट प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक को हम बाय करते हैं तो उस कंपनी का हिसाब से हम स्टॉक को बाय करते हैं। ठीक है, कंपनी एक अच्छा कंपनी होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होना चाहिए, और हमें वो स्टॉक थोड़ा सा चीप वैल्यूएशन पे जब मिले तभी हमें एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक भाग रहा था हमेशा, यहाँ पे देखिए स्टॉक जहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा था ऑल टाइम हाई पे 4,200 के पास में, स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है 3,000 के पास में। ठीक है, स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन आ चुका है, देखिए स्टॉक तो अभी लास्ट 5 सेशन से, 6 दिन से, लास्ट 6 दिन से लगातार करेक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी तो काफी सारे फ्रेंड भी ये भी बोल रहे हैं कि स्टॉक में से निकल जाना चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए 28% का करेक्शन आ चुका है। लेकिन अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, फ्रेंड्स मैं आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा ये स्टॉक को होल्ड कीजिए, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी सिनेरियो ऐसा होता है स्टॉक में गिरावट आता है, लेकिन उसमें हमें उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए कंपनी अभी बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। अभी आरओसी की बात अगर करेंगे, 35% का आरओसी है। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, थोड़ा सा कर्जा है जो कि मैनेजेबल है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ऑल टाइम हाई 4,200 के पास में था, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 3,000 के पास में, ऑलरेडी यहाँ पे 1,200 रुपीज का करेक्शन आ चुका है। ठीक है, अगर हम प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर भी बेहतरीन होल्डिंग है, जो कि 55% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआई का होल्डिंग भी देखिए ना, 25% का एफआई के पास में होल्डिंग है, और डीआई के पास में 6% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 12% का होल्डिंग है। ये स्टॉक जब रिएक्ट करता है ना, तो उस टाइम पे कोई कुछ ये नहीं है, उस टाइम पे बाय करने का होता है, उस टाइम पे नहीं तो फिर आप मार्केट को वॉच कीजिए। ठीक है, आप पैनिक पैनिक जब सेलिंग होता है ना, उस टाइम पे आप स्टॉक को सेल मत कीजिए। ठीक है, अभी देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे इसी हिसाब से, स्टॉक एक बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, इसका रिजर्व भी बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक जो इम्पैक्ट अभी दे रहा है, न्यूज बेस पे इम्पैक्ट दे रहा है, न्यूज तो आपके सामने ही है, दिल्ली सरकार ने यहाँ पे रेट को घटाया, इसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक कोई बुरा नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से स्टॉक में यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली तोड़ चुका है, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले, लॉन्ग टर्म जो ये स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है स्टॉक को इमिडिएटली अकोमोडेट करने के लिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक में कंसोलिडेशन बने, उसके बाद में आप बाय करेंगे, तो ठीक है आप वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉक जिस हिसाब से पैनिक सेल हो रहा है ना, आप सेल मत कीजिए, आपका पोर्टफोलियो में सेल मत कीजिए। स्टॉक एक बढ़िया सा स्टॉक है, फंडामेंटली अभी भी बहुत बढ़िया सा स्टॉक है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, प्रॉब्लम आप सबको मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक मोमेंटम में होता है ना, उस टाइम पे आप एंट्री मत लीजिए। ठीक है, हमेशा मैं आपको यही एक चीज बता रहा हूँ, जब स्टॉक मोमेंटम में होता है आप उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मोमेंटम में ओनली ट्रेडिंग होता है। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेड करना है,
तो वहां पे आप एक अपॉर्चुनिटी की इंतजार कीजिए, ठीक है। जब स्टॉक स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आ जाएगा, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, उसी टाइम पे आपको बाई करना है। अभी देखिए, अभी पैनिक सेलिंग हो रहा था यहाँ पे अबर्ट इंडिया में। मैं बोल रहा हूँ ना, अबर्ट इंडिया बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, अभी इमीडिएटली आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है, मल्टीवैगर स्टॉक है। जहाँ पे स्टॉक के रिटर्न की बात करेंगे, देखिए अभी भी इतना बड़ा करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक यहाँ पे 39% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे 3 ईयर्स में 46% सीएजीआर का रिटर्न दे रहा है। 5 ईयर्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 24% सीएजीआर का रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ओनली भाग रहा है, ऐसा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कंपनी में अगर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे इतना परसेंटेज डिलीवरी भी नहीं उठाया गया होता, ठीक है। आपके सामने डाटा है, 44% का डिलीवरी उठाया गया है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक में इमिडिएटली अगर आपको बाई करना है तो बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट अभी तो नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आया है, ठीक है। अगर ऑल टाइम हाई से भी बात करेंगे, यहाँ पे 28% का करेक्शन आ चुका है, कि बहुत बड़ा मौका है आपको बाइंग करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के बाइंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद में रेंज एक बन जाए, तो रेंज के बाद में अगर बाई करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इंतजार कीजिए, ठीक है। लेकिन पैनिक सेलिंग में आप स्टॉक को सेल मत कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सा अभी भी स्टॉक, बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, आपको आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके आके जरूर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर में विजिट करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुआ है, जो कि यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू है। यहाँ पे आपका, आप अगर जीरोधा यूजर है, जीरोधा यूजर में जैसे कि आरएसआई कैसे सेट करते हैं, मूविंग एवरेज कैसे सेट करते हैं, यहाँ से आके सीख सकते हैं। और एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसको भी आप आके सीख सकते हैं, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो में अगर कोई स्विंग ट्रेड स्टॉक से कौन सा टारगेट का आपको निकलना है, अगर टारगेट देखना है, तो यहाँ पे जरूर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी काफी सारा स्टॉक है जो कि फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आप जरूर आके यहाँ पे स्विंग ट्रेड स्टॉक्स देख सकते हैं। काफी सारा स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया सा अट्रैक्शन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, वो स्टॉक को आप इमीडिएटली कंसिडर करके चल सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे डोंट सेल दिस स्टॉक है, ये स्टॉक भी आप देख लीजिए। आपका पोर्टफोलियो अगर रहेगा, पैनिक सेलिंग हो रहा है, तो ये स्टॉक को सेल नहीं करने का, आप होल्ड करके रखिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो पैनिक सेलिंग होता है ना, पैनिक सेलिंग होता है, उस टाइम पे अच्छा सा स्टॉक को भी कभी कभी हम निकाल देते हैं अपना पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ दिन के बाद में वही स्टॉक जाके ऑल टाइम हाई अचीव करता है, उस टाइम पे हम फिर रिग्रेट करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में भी ऐसा हो, तो इसलिए ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हर कोई आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है, और उसी बेसिस पे आप स्टॉक लेके अपना पोर्टफोलियो में बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।